एनएसपीएम संगठन के मास्टरमाइंड उमेश गिरी को विशेष छापेमारी टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। न्यू सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा एनएसपीएम संगठन के मास्टरमाइंड उमेश गिरी उर्फ उमेश दास उर्फ उमेश पांडे को पुलिस छापेमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 8 mm का 9 कारतूस, लगभग 8 mm का 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। उमेश गिरी को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसकी जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने नए समाहरणालय में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि बगोदर के अटका क्षेत्र एवं आसपास के बोकारो हजारीबाग जिला में एनएसपीएम संगठन द्वारा लगातार कई घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा था। संगठन के मास्टरमाइंड उमेश गिरी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार गिरिडीह समेत आसपास के जिलों के पुलिस के अलावे बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के कई जिलों के पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही थी। एसपी ने बताया कि छापेमारी के दबाव के कारण उमेश गिरी के बगोदर विष्णुगढ़ गोरार क्षेत्र में दिखाई देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके उद्भेदन को लेकर सरिया बगोदर एसडीपीओ नौशाद आलम के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम द्वारा बगोदर थाना क्षेत्र के विस्माइल जंगल से उमेश गिरी को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बगोदर सरिया एसडीपीओ नौशाद आलम, साइबर पुलिस उपाधीक्षक संदीप सुमन, सरिया पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार समेत अन्य पदाधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। विगत कुछ महीनों से बगोदर के अटका क्षेत्र एवं आसपास के जो जिले हैं बोकारो एवं हजारीबाग में, वहाँ एनएसपीएम संगठन के द्वारा कुछ एक घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जो कि जिसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तीनों जिला के पुलिस एनएसपीएम के जितने भी मेंबर्स हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने में जुटे हुए थे। इस संदर्भ में डीआईजी हजारीबाग महोदय के द्वारा एवं पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी संज्ञान लिया गया एवं निर्देशित किया गया था कि इस संगठन के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस संगठन ने आसपास के जिलों में एवं गिरिडीह जिला में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इसके ऊपर पुलिस निरंतर के मेंबर्स के ऊपर और उनके जो सरगना है उनके ऊपर निगाह रखी हुई थी और सतत प्रयासरत थी कि इनकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द की जाए। इस संदर्भ में एक विशेष टीम की गठन की गई थी, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर और उनके जो सहकर्मी हैं उनको शामिल किया गया था। इसमें टीम के द्वारा निरंतर कार्रवाई करते हुए पिछले 9 से 10 दिनों में इस टीम के काफ़ी सारे जो गिरोह के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। टीम ने लगातार छापेमारी जारी रखी थी। इस संदर्भ में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, नवादा एवं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, वर्धमान, कलकत्ता, हावड़ा इत्यादि क्षेत्रों में एवं साथ साथ में महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे भी इस गिरोह के सरगना की जानकारी मिल रही थी वहाँ वहाँ पे छापेमारी की गई और इसका इस प्रयास का फल जो है वो रंग लाया है और गिरोह के सरगना उमेश गिरी को अरेस्ट करने में कामयाब रही है पुलिस। बढ़ते दबाव के कारण उमेश गिरी जगह बदल रहे थे और इनका जो अरेस्टिंग है वो बिस्माइल जंगल बगोदर थाना क्षेत्र से किया गया है।